इस अस्पताल में इंसान की जगह इस चीज का होता है इलाज। आखिर क्यों पुराने जमाने में बच्चे को पिंजरे में रखते थे माता पिता? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के दौरान मटके में क्यों किया जाता है छेद? और किस देश में गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर ड्राइवर को जाना पड़ता है जेल? आखिर इस तस्वीर में जिंदा इंसानों के साथ क्यों खड़ा किया जाता है शव? यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे इतने अमेजिंग फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। नंबर वन, आमतौर पर जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में पश्चिमी देशों में बहुत ही अजीबोगरीब प्रथा का पालन किया जाता था, जिसके तहत मृत इंसान के शव के साथ तस्वीर क्लिक करवाना अनिवार्य होता था। इस तरह की तस्वीरों को पोस्टमार्टम फोटोग्राफ कहा जाता था, जिसमें मृतक के परिवार वाले अलग अलग पोज देकर शव के साथ तस्वीर खिंचवाते थे। इसके लिए डेड बॉडी को नए कपड़े पहनाए जाते थे, जबकि उसके चेहरे पर मेकअप भी किया जाता था। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में मृतक की आंख भी खुली रहती थी, जिसकी वजह से ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता था कि तस्वीर में कौन सा व्यक्ति मर चुका है। उस दौर के लोगों का मानना था कि मृतक के शव के साथ तस्वीर खिंचाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, जबकि मृतक की आत्मा परिवार के लोगों को आशीर्वाद और प्यार देती है। हालांकि बीतते वक्त के साथ पोस्टमार्टम फोटोग्राफी का ट्रेंड फीका पड़ने लगा था, जिसके बाद लोगों ने इस तरह की तस्वीरें क्लिक करवाना बंद कर दिया था। नंबर टू, ये तो हम सभी जानते हैं कि गूगल की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में की जाती है, जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बढ़ते कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए गूगल ने साइड बिजनेस शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब आपको गूगल चिप्स खाने को मिल सकते हैं। दरअसल गूगल ने हाल ही में एक प्रोसेसर बनाकर तैयार किया था, जिसे आम जनता के सामने लॉन्च करने के लिए कंपनी ने आलू के चिप्स का सहारा लिया। गूगल ने प्रोसेसर के साथ आलू के चिप्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और आम जनता को इन दोनों नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जिसकी वजह से गूगल की कमाई कई गुना बढ़ गई। आपको बता दें कि गूगल की यह पोटैटो चिप्स सिर्फ मार्केटिंग के मकसद से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इन्हें सचमुच आम लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने अलग अलग फ्लेवर के आलू चिप्स तैयार किए हैं, जबकि इस चिप्स की क्वालिटी भी दूसरी फूड कंपनी के मुकाबले बेहतर रखी गई है। नंबर थ्री, यूं तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आम लोग निजी गाड़ी में सफर करते हैं और उन्हें महंगा फ्यूल खरीदना पड़ता है। हालांकि कई बार कम तेल होने की वजह से गाड़ी बीच सड़क पर रुक जाती है, जिससे धक्का लगाकर नजदीकी पेट्रोल पंप तक ले जाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर जर्मनी में गाड़ी का फ्यूल बीच सड़क में खत्म हो जाता है तो उसके मालिक को जेल की सजा हो सकती है। दरअसल जर्मनी के एक नियम के अनुसार ग्राहक को अपनी गाड़ी में हमेशा निश्चित मात्रा में फ्यूल रखना चाहिए, ताकि उसकी गाड़ी बीच सड़क में ना रुके, क्योंकि ऐसा होने पर सड़क पर जाम लग जाता है, जिसकी वजह से अन्य लोगों को दिक्कत होती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है और वह सड़क पर गाड़ी को धक्का लगाते हुए दिख जाता है, तो जर्मनी पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। उस व्यक्ति के ऊपर नियम तोड़ने के लिए भारी जुर्माना लगाया जाता है, जबकि कई मामलों में व्यक्ति को 5 साल की सजा भी सुना दी जाती है। यही वजह है कि जर्मनी के नागरिक अपनी गाड़ी में हमेशा फ्यूल फुल रखते हैं, ताकि उन्हें जेल की हवा ना खानी पड़े। नंबर फोर, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो, जिसके लिए वह बच्चे के खान पान का खास ख्याल रखते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे को तेल मालिश और धूप दिखाना भी बेहद जरूरी होता है, जिसके लिए भारतीय घरों में काफी ज्यादा स्पेस होता है। लेकिन अगर बात पश्चिमी देशों की जाए तो वहाँ हमेशा से लोग बिल्डिंग और फ्लोर्स में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के घर में इतनी जगह नहीं होती थी कि वह अपने बच्चे को धूप में लिटा सके, जिसकी वजह से बच्चे को विटामिन डी नहीं मिल पाता था। ऐसे में उस दौर के लोग अपने घर की खिड़की में एक पिंजरा यानी जाल बना देते थे, जिसमें बच्चे को कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाता था। इस पिंजरे में लेटे हुए बच्चे को पर्याप्त मात्रा में धूप मिल जाती थी। हालांकि यह पिंजरा बच्चे के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता था, खास तौर से पिंजरे में सो रहे नवजात बच्चे को अक्सर कौवा या दूसरे पक्षी चोंच मारकर नुकसान पहुंचाते थे, जबकि कई बार पिंजरा टूटकर नीचे सड़क पर गिर जाता था। ऐसे में जब इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी तो सरकार ने खिड़की के बाहर पिंजरा बनाने पर रोक लगा दी थी, जबकि आम लोगों को हिदायत दी गई कि वह अपने बच्चों को पार्क में लेकर धूप दिखा सकते हैं। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक पश्चिमी देशों में लोग छुट्टी के दिन पार्क या समुद्र किनारे जाते हैं, जहां वे लोग पूरे हफ्ते की धूप एक दिन में प्राप्त कर लेते हैं। नंबर फाइव, आज के आधुनिक दौर में ज्यादातर लोग यूएसबी केबल और पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डेटा ट्रांसफर और इलेक्ट्रिक आइटम्स को चार्ज करना काफी आसान हो जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी यूएसबी की बनावट पर ध्यान दिया है, जिसमें दो होल्स मौजूद होते हैं? आखिर इन होल्स का काम क्या होता है और इन्हें यूएसबी पर क्यों बनाया जाता है? तो हम आपको बताते कि इन होल्स की वजह से डेटा ट्रांसफर का काम बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। दरअसल पुराने समय में जब यूएसबी को बनाकर तैयार किया गया था तो उसमें यह होल्स मौजूद नहीं होते थे। ऐसे में केबल को गैजेट से अटैच करने और उसमें से डेटा ट्रांसफर करने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि यूएसबी इलेक्ट्रिक गैजेट में सही से फिक्स नहीं हो पाती थी। ऐसे में कुछ समय बाद उसके डिजाइन में बदलाव किया गया और यूएसबी में दो होल्स बना दिए, जिससे यूएसबी को
ग्रिप मिल जाती है और वह किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम से आसानी से अटैच हो जाता है। ऐसे में इन दोनों होल्स की वजह से डेटा ट्रांसफर का काम जल्दी और आसानी से पूरा हो जाता है, जबकि ज्यादातर लोग इन होल्स को बेकार समझने की गलती कर बैठते हैं। नंबर 6, आज के महंगाई भरे दौर में हर चीज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जिसने पिछले 25 सालों में बिस्किट की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। इस कंपनी का नाम पार्ले जी है, जिसने बिस्किट के पैकेट की कीमत 25 साल में एक बार भी नहीं बढ़ाई है। भारत में पार्ले जी का मार्केट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। ऐसे में जब एक बार पार्ले जी ने बिस्किट की कीमत में 50 पैसे का इजाफा किया था तो लोगों ने पार्ले जी बिस्किट खरीदना बंद कर दिया था और इस वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में पार्ले जी ने बिस्किट की कीमत बढ़ाने की जगह पर उसकी मात्रा को कम कर दिया, जिसकी वजह से ग्राहक को कम दाम में कम बिस्किट मिलते हैं। यह पार्ले जी की मार्केटिंग का एक खास तरीका है, जिसमें उसने बिस्किट की कीमत बढ़ाए बिना मुनाफा कमा लिया और कंपनी को आम जनता की नाराजगी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। यही वजह है कि दूसरे ब्रांड्स के बिस्किट के मुकाबले पार्ले जी के बिस्किट ज्यादा बिकते हैं, जिससे सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। नंबर 7, किसी भी व्यक्ति के लिए आर्मी या सेना में नौकरी करना बहुत ही गर्व की बात होती है, जिसके लिए युवा दिन रात मेहनत करते हैं। हालांकि सेना में भर्ती होने का मौका चंद युवाओं को ही मिल पाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां हर नागरिक सेना में भर्ती होता है। इस देश का नाम इसराइल है, जहां सेना में भर्ती के लिए एक विशेष नियम का पालन किया जाता है। इसराइल के नियम के अनुसार देश के हर नागरिक को कम से कम 5 साल तक सेना में नौकरी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इस देश में हर एक व्यक्ति आर्मी से ताल्लुक रखता है। यह नियम महिला और पुरुष सभी के ऊपर लागू होता है, जिसकी वजह से इसराइल में हर 5 साल बाद नए लोग सेना में भर्ती होते हैं, जबकि पुराने लोग अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद सामान्य जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। इतना ही नहीं, जो सैनिक ड्यूटी में अच्छे होते हैं उनकी नौकरी की अवधि को इसराइल सेना द्वारा बढ़ा दिया जाता है। वहीं इस नियम के तहत जिन लोगों को 5 साल की अवधि के बाद रिटायर कर दिया जाता है, उन्हें जंग की स्थिति में दोबारा सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया जाता है। नंबर 8, अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपको यह अच्छी तरह से पता होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस दौरान शव को जलाने से पहले उसके चारों तरफ मटका लेकर चक्कर लगाया जाता है, जबकि इस दौरान मटके में छेद कर दिया जाता है और उससे पानी गिरता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के दौरान मटके में छेद क्यों किया जाता है और इसका क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह मटका इंसानी जीवन को दर्शाता है। यह मटका इंसान का शरीर होता है, जबकि उसके अंदर मौजूद पानी जीवन होता है। जिस तरह इंसान अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, ठीक उसी प्रकार मटके में मौजूद छेद से जीवन यानी पानी धीरे धीरे नीचे गिरते हुए खत्म होने लगता है। ऐसे में जब मटके के अंदर का पानी खत्म हो जाता है तो इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है और इसलिए उस मटके को खाली होने के बाद जमीन पर पटक कर फोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मटके को फोड़ने के बाद इंसान की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर ईश्वर के पास चली जाती है, जिसके बाद शव को आग लगाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। नंबर 9, आप में से बहुत से लोग वीकेंड के मौके पर बाहर खाना खाने के लिए जाते होंगे, जहां अलग अलग डिशेस को प्लेट में सर्व किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहां महिला के शरीर के ऊपर भोजन सर्व किया जाता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस रेस्टोरेंट का नाम नयोताई मोरी है, जो जापान में स्थित है। इस रेस्टोरेंट में एक महिला के शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार की सुशी को सर्व किया जाता है, जो टेबल के ऊपर लेटी हुई होती है। इसके बाद टेबल के आसपास बैठे गेस्ट महिला के शरीर के ऊपर रखी सुशी का स्वाद चखते हैं, जबकि इस दौरान उन्हें उस महिला से बातचीत करने की इजाजत नहीं होती है। इस रेस्टोरेंट में महिला का शरीर एक प्लेट के समान होता है, जो कई बार गेस्ट के लिए आपत्तिजनक स्थिति पैदा कर देता है। जापान में इस कल्चर की शुरुआत सेक्स वर्कर्स को समान अधिकार दिलाने के लिए की गई थी, लेकिन फिर देखते ही देखते महिला के शरीर पर फूड सर्व करने का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया कि रेस्टोरेंट मालिक ने मुनाफा कमाने के लिए इस चीज को जारी रखा। हालांकि इस दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि कोई गेस्ट महिला के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी ना करे। हालांकि यह अपने आप में बहुत ही अजीब बात है कि एक महिला को प्लेट की तरह टेबल पर सर्व किया जाता है और गेस्ट उसकी बॉडी से खाना उठाकर खाते हैं। इस रेस्टोरेंट में बॉडी के ऊपर खाना सर्व करने से पहले पूरे शरीर को सैनिटाइज किया जाता है, जो जापान का बहुत ही पॉपुलर कल्चर बन चुका है। हालांकि कई देशों में इस रेस्टोरेंट की आलोचना की जाती है, जो इंसानियत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर 10, यूं तो दुनिया भर के कई देशों में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग सही इलाज न मिलने की वजह से मर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा अस्पताल भी मौजूद है जहां इंसानों का नहीं बल्कि ऊंटों का इलाज होता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह अनोखा अस्पताल संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, जिसे कैमल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इस अस्पताल में दुनिया भर के घायल ऊंटों का इलाज किया जाता है, जो बीमार होते हैं या फिर रेस में दौड़ने के दौरान उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है। आपको बता दें कि दुबई में हर साल ऊंटों की दौड़ का आयोजन किया जाता है और इस दौरान बहुत से ऊंट घायल हो जाते हैं।
जिसकी वजह से उन्हें समय पर इलाज मुहैया करवाना बेहद जरूरी होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कैमल हॉस्पिटल को बनाकर तैयार किया गया है, जहां ऊँटों का इलाज करने के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम काम करती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।